हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाथरस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा, जो कहा है वो करेंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष ने हाथरस की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घटना को बहुत बड़ी चूक बताया। उन्होंने कहा कि वहां समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था तक नहीं थी। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा बढ़ाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर राज्य सरकार अपील पर सरकार की तरफ से बहस पूरी हो गई है। इसके बाद अफजाल की तरफ से सरकार की अपील के विरोध में तर्क रखे गए। माफिया अधीक अहमद के परिवार और उनके गुर्गों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अतीक के बेटे अली और उमर की हिस्ट्री शीट खोलने के बाद अब गैंगस्टर लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए गैंग चार्ट भी तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि गिरोह में उमेश पाल हत्याकांड के सभी आरोपियों का नाम शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। पश्चिमी यूपी में बसपा को एक और बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल सहारनपुर से बीएसपी के सांसद रहे हाजी फजलुर रहमान आज सपा ज्वाइन करने वाले हैं। पूर्व बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान लखनऊ पहुंच गए हैं और आज सपा ज्वाइन कर लेंगे। आपको बता दें कि हाजी फजलुर रहमान ने 2019 में बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंचने में कामयाब हो गए। वाराणसी के ज्ञानवापी के भीतर वजू खाने के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग पर हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई मुस्लिम पक्षकार पेश नहीं हुए। इस वजह से मामले की सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने राखी सिंह की ओर से वाराणसी जिला जज के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें जिला जज की अदालत ने वजू खाने के सर्वेक्षण की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 6 जुलाई को गोरखपुर को प्राविधिक और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी जाने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सहजरवान के हरदी में बने राजकीय पॉलिटेक्निक और हरपुर में बने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कानपुर से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को 7 साल की सजा मिलने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया। निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। अपील में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश हित के खिलाफ बताते हुए पर्सनल लॉ में सीधा हस्तक्षेप करार दिया गया है। उल्मा ने कहा कि अगर इसे लागू किया गया तो मुहर्रम के बाद रबीउल अव्वल के महीने में आंदोलन किया जाएगा। मुहर्रम और कांवर यात्रा साथ में होने पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग उठी है। इसके अलावा हुसैनाबाद ट्रस्ट के तहत आने वाली ऐतिहासिक इमारतों की जर्जर हालत पर नाराजगी जताई गई। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हिंसा और नफरत के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सदन में दिए गए भाषण का समर्थन किया है। मदनी ने कहा कि कोई भी धर्म हिंसा और नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए अन्य दलों के नेताओं को भी निडरता के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। हाथरस के हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। आयोग 2 माह में अपनी जांच पूरी करने के बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। आयोग में सेवानिवृत्त IAS हेमंत राव और सेवानिवृत्त DG भवेश कुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है।